सियासी खेल बदल चुका है। देवेंद्र फडणवीस महज 80 घंटे ही सीएम रह पाए। देवेंद्र ने 23 को आपको बता दें कि शपथ ली थी, आज यानी 26 नवंबर को उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब महाराष्ट्र में बुधवार को सदन का विशेष सत्र बुलाया गया, कल विधायकों की शपथ होगी और इसी के साथ फ्लोर टेस्ट भी होगा। रिपोर्ट देखिए। राहें जुदा हो चुकी हैं, रास्ते अलग हैं, एक दूसरे को इग्नोर किया जा रहा है, रिश्तों को भुलाया जा रहा है। पल पल बदलती महाराष्ट्र की सियासत की स्क्रिप्ट में इतने मोड़ थे कि इस कहानी को करीब से देखने वाले लोग हैरान हैं कि आखिर महाराष्ट्र में हुआ क्या। इतनी जल्दी रिश्ते टूट गए, साथ साथ चलने की कस्में टूट गई। इधर सुप्रीम कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट के लिए 27 नवंबर की तारीख मुकर्रर कर दी, उधर अजीत पवार ने इस्तीफा दे दिया। इधर अजीत का इस्तीफा आया तो 2 घंटे बाद ही देवेंद्र फडणवीस सामने आए और उन्होंने हर स्थिति के बारे में बताते हुए कहा कि मैं अपना इस्तीफा दे रहा हूं। कल जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से फ्लोर टेस्ट करनी है, ऐसे समय आज श्री अजीत दादा पवार इन्होंने मुझसे मिलकर कहा कि वे इस सरकार में बने नहीं रह सकते और उन्होंने हमको इस्तीफा दिया। बहुमत के लिए जितने विधायक चाहिए उतने भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने यह निर्णय लिया कि हम सरकार नहीं बनाएंगे, हम इस्तीफा देंगे। और उस दृष्टि से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैं स्वयं माननीय राज्यपाल जी के पास जाने वाला हूं और इस्तीफा देने वाला हूं। महाराष्ट्र में जितनी जल्दी सियासी ब्रेकअप हुआ है उसे देखकर वो कहावत सही लगती है कि सियासत में कोई भी बात आखिरी नहीं होती और सियासत किस करवट बैठेगी ये कोई नहीं बता सकता। देवेंद्र ने कहा कि हम विपक्ष में रहेंगे लेकिन ये तीन पहिए वाली सरकार महाराष्ट्र में चल नहीं पाएगी। ये तीन पार्टियां एकत्रित आकर सरकार बनाने का जो विचार कर रही है, मुझे ऐसा लगता है ये सरकार अपने बोझ तले दबेगी, क्योंकि ये तीन पहियों की ऐसी गाड़ी है जिसका कोई भी पहिया एक दिशा में नहीं चल सकता। तीनों पहिये तीन दिशाओं में चलेंगे और महाराष्ट्र जैसा अगड़ा राज्य, इसकी क्या परिस्थिति होगी इसके बारे में मैं कह नहीं सकता। सोमवार रात को विपक्षी दलों के 162 विधायकों ने मुंबई के ग्रैंड हयात होटल में एक साथ पहुंचकर शक्ति प्रदर्शन किया। इसमें तीनों पार्टियों के प्रमुख नेता, शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे, एनसीपी प्रमुख शरद पवार, कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, बाला साहब थोराट और सपा नेता अबू आजमी शामिल हुए। ये शनिवार की रात को जिस तरह से संविधान की धज्जियां उड़ाई गई थी वो भारत के संवैधानिक के इतिहास में काले अक्षरों में दर्ज किया जाएगा। महाराष्ट्र के अवैध तरीके से बने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने आज इस्तीफा सौंप दिया है। देखिए, संविधान को बिल्कुल तोड़ने का काम किया गया था महाराष्ट्र, कुछ बचा नहीं था, तोड़ फोड़ की कोई उम्मीद नहीं अब बची कि प्रोटेम स्पीकर या कोई गिनती में गड़बड़ कर दे, वो भी संभावना नहीं जब एवरीथिंग इज गोइंग टू बी वीडियो रिकॉर्डेड, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि अजीत दादा ने इस्तीफा दे दिया है, वो हमारे साथ है। उद्धव ठाकरे 5 साल के लिए महाराष्ट्र के सीएम होंगे। अब बुधवार को फ्लोर टेस्ट होना है और पूरा लाइव टेलीकास्ट भी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। तो महाराष्ट्र के इस घमासान पर अबू आजमी ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाते हैं।